फीमेल को एक चाहिए होती है प्रोटेक्शन। अब उसे लगना शुरू हो जाता है कि ये बंदा जो है ना मेरी जगह पे डिसीजन कर सकता है, तो और मैं इसकी प्रोटेक्शन में आ सकती हूँ, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि उसने अपनी बिहेवियर से साबित कर दिया है कि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो पाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है, अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्टर कोच हूँ। लोगों की ख्वाहिश होती है कि इस तरह वो लड़की को देखे और लड़की मकनातीस की तरह उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाए और आगे चिमट जाए, पर कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो जनाब ये क्यों कर हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाना। तो इसके लिए आपके अंदर कुछ ख़ास खूबियाँ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। आमतौर पे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक बंदा जो अट्रैक्ट कर लेता है उसको आमतौर पे अल्फा मैन कहते हैं। तो अल्फा मैन की क्या खूबियाँ हैं? अल्फा मैन बनना कोई आसान काम नहीं है, को ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है तो फिर जाके बनना है अल्फा मैन। अच्छा, लोगों का आमतौर पर ख्याल है कि जनाब लड़की किधर अट्रैक्ट होगी? जनाब दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, अट्रैक्ट हो जाएगी, या जनाब उसकी 6 फुट कद हो, मसल उसके नज़र आ रहे हो, 6 पैक्स हों, लड़की भागी आएगी, ठीक है, या बड़ी उसकी शोहरत होगी, कोई सेलेब्रिटी होगा। ओ भाई, ये हर जगह तो नहीं होता ना, लेकिन फिर भी लड़की ने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती है। कई बंदे इनमें कोई ऐसी खूबी नहीं होती और वो लड़कियों को ऐसे करके लड़कियों की तरफ रागब हो जाती हैं। तो फिर उनमें क्या यानी कि खूबियाँ होती हैं कि लोग ताकि वो अट्रैक्ट हो सकें? अच्छा, इसमें जो सबसे पहले जो अहम बात वो मेल में होनी चाहिए वो है बेसिकली उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बात करने का अंदाज, आई टू आई कॉन्टैक्ट रखने का अंदाज, बैठने का अंदाज, जेस्चर्स, जो स्ट्रॉन्ग आदमी होगा उसके जेस्चर बड़े प्रोमिनेंट होंगे, बड़े बोल्ड किस्म के उसके जेस्चर्स होंगे, तो वो एकदम उसकी जो है ना वो अट्रैक्शन उसकी तरफ फीमेल की होगी। हाँ, इतनी बात है, कपड़े भी थोड़े इंसानों वाले पहनने चाहिए, नीट हो, क्लीन हो, ठीक है, ये दैट्स शी नीड्स, क्योंकि अगर वो गंदे कपड़े हैं या उसके नाखून बड़े हुए हैं या शेविंग गड़बड़ है तो फिर वो दांत पीले हैं तो वो फीमेल में एक अजीब सी चीज़ होती है, वो पीछे हट जाती है, चाहे उसको बंदा अच्छा भी लग रहा हो, उसमें कॉन्फिडेंस भी हो, सब कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़। अच्छा, अब इसके बाद कॉन्फिडेंस के बाद उसमें क्या चाहिए कि वो डिसाइसिव हो, कि जो बात करे बड़ी पक्की करे और उसके अंदर फाइनैलिटी हो, यस दिस इज, और वो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी नज़र आती हो कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, जैसे क्योंकि फीमेल को एक चाहिए होती है प्रोटेक्शन। अब उसे लगना शुरू हो जाता है कि ये बंदा जो है ना मेरी जगह पे डिसीजन कर सकता है, तो और मैं इसकी प्रोटेक्शन में आ सकती हूँ, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि उसने अपनी बिहेवियर से साबित कर दिया है कि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो पाई जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद ह्यूमर, वो कहते हैं हंस पाई से फंस गई, विटीनेस, ह्यूमर, अब बात से बात निकाल रहे हैं, उसको मजाकिया रंग दे रहे हैं, कुछ लतीफे बीच में ऐड कर देते हैं, लेकिन घटिया वाले नहीं, तो लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रहे हैं, तो जब लड़की की वो बैरियर टूट गई, वो हंसना शुरू कर दिया उसने आपके साथ, तो वो क्या होगा,
कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट। सो ह्यूमर जो है ये एक बहुत अहम खूबी है जो इंसान के अंदर हो तो वो जो लड़की है उसकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट रागव हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ भी है, वो बड़ी अजीब चीज़ है, वो बिल्कुल उलट है इनसे। लड़की को वो भी बड़ी पसंद है, मसलन वो दैट इज़ कॉल्ड मोडेस्टी, इनकसारी। इनकसारी कैसे? कि जैसे किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, अगर वेटर को टिप दे रहा है, जेनरस नज़र आ रहा है, लोगों को साथ भी तमीज़ के साथ पेश आ रहा है, तो लड़की के माइंड में होता है कि कल मैंने अगर इसकी प्रॉपर्टी बनना है तो ये मेरे साथ कैसा सलूक करेगा, क्या इसके अंदर हमदर्दी के जज्बात भी मौजूद हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो उसकी तरफ जो है ना वो फिर अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करेगी। तो बाकी हमने ये देखा है कि बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना या दौलत होना ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल की दुनिया में अगर आपके अंदर ये ट्रेड्स मौजूद हैं तो आपकी वाजबी सी भी शक्ल है तो आप किसी भी लड़की के दिल में दीप जला सकते हैं। तो बस अपने अंदर ये ज़रा खूबियाँ पैदा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।